नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उमलिया मैथ एकेडमी में। आज के इस लेक्चर में बेसिक ज्योमेट्री को कंटिन्यू करते हुए, इसके पॉलीगन को आगे बढ़ाते हुए, हम इसके ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के बाद अब हम पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं पेंटागॉन को। तो पेंटागॉन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी फाइव साइड्स होती हैं, वो पेंटागन होता है। ठीक है, अब फाइव साइड आपकी क्या हो सकती हैं? फाइव की फाइव साइड आपकी इक्वल हो सकती हैं, पांचों साइड आपकी इक्वल हो सकती हैं, और फाइव की फाइव साइड आपकी अनइक्वल हो सकती हैं। तो मतलब पेंटागन के दो टाइप पॉसिबल है, एक आपका होगा रेगुलर पेंटागन और एक आपका होगा इरेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन क्या होगा? जिसकी फाइव की फाइव साइड आपकी इक्वल रहे, मतलब आप कुछ इसको ऐसे बना दीजिए, ऐसे, और आपको देखने फंसा इक्वल लगना चाहिए इसको, और आप इसको डिजाइन सही तरीके से करिएगा, ऐसे कुछ, ये आपका रेगुलर पेंटागन हो जाएगा। फाइव की फाइव साइड आपकी इक्वल है, ये आपका रेगुलर पेंटागन है। इरेगुलर में क्या हो जाएगा? कुछ भी, ये आपकी फाइव साइड है और ये पेंटागन है, तो जी आपका रेगुलर पेंटागन हो जाएगा, ये आपका रेगुलर पेंटागन हो जाएगा। ऐसे ही आप डिजाइन कर लीजिएगा कौन, हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या होता है? हेक्सागोन होता है इसकी सिक्स साइड होती है, वो भी दो तरीके से बनेगा, छह साइड है, आप छह आपकी साइड इक्वल हो सकती है और छह आपकी अनइक्वल भी ले सकते हैं, मतलब आपकी एक भी अनइक्वल होगी तो वो इरेगुलर में चला जाता है, वो तो बता ही था, है ना। तो आप हेक्सागोन वगैरह का डायग्राम मतलब ऐसे बना सकते हैं, है ना, हम रेगुलर रेगुलर बता दे रहे हैं, ऐसे कुछ आ जाएगा हेक्सागोन का डायग्राम, इरेगुलर हेक्सागन है, इरेगुलर का चाहे जैसा आप बना दीजिए, ऐसे ही आप हेप्टागोन का बना लीजिएगा। तो आपको बेसिक ज्योमेट्री में इनके डायग्राम के बारे में ज्यादा नहीं लेके जाना है, केवल हमें इनकी बेसिक चीजें पकड़ना है कि इनके एंगल कैसे होते हैं, इनका एंगल का सम क्या होता है, डायगोनल कितने होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे पेंटागॉन देखा हमने, हेक्सागॉन देखा, आप ऐसे आगे चल के हेप्टागॉन समझ गए होंगे, सात इक्वल साइड है तो रेगुलर हेप्टागॉन, नहीं है तो रेगुलर इरेगुलर हेप्टागॉन, ऑक्टागन, नानागन और डेकागन, ये सब होते हैं, है ना। तो हम इसके इन सब के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन आता है कि आपका जो पेंटागॉन है ना, तो हम बताएं आपको, हम एक पॉलीगन के बारे में डीपली पढ़ा दे रहे हैं, तो आपको सारे के सारे में आगे आइडिया लग जाएगा। तो जो आपका पेंटागॉन होता है, पेंटागॉन के ऑल एंगल का सम कितना होगा, मतलब कि जो अंदर के एंगल है इनका सम कितना होगा, मतलब एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल और पांचवा एंगल, फाइव इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। चलिए हम इसका बता दें आपको कि इसका 540 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है और ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है, हमने आपको बता दिया। अब मान लो हमने आपका हेक्सागोन की जगह नोनागन का पूछ लिया, है ना, इन सब के बारे पूछ लिया, तो आपको वहां पर आइडिया लगना चाहिए, आपको एक फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए, जिससे आप क्या ऑल इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अंडरलाइन करके, इस फॉर्मूले को क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन के ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, एक फॉर्मूला होता है। अब आप इसमें रख के रख लीजिए, ट्राइंगल का 180 होता है ना, आप n इक्वल 3 रखिए ट्राइंगल के लिए, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस टू इंटू 180, 3 में से 2 गए 1, 1 इंटू 180 कितना हो जाएगा 180, n इक्वल आप 4 रख के ले लीजिए, 4 इंटू 2 इंटू 180, 4 में से 2 गए 2, 280 या 36, 5 रख लीजिए, 5 माइनस 2 इंटू 180 तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा आपका 54, तो 540 डिग्री, 6 रख लीजिए तो हेक्सागोन का निकल आएगा, 6 माइनस 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4, 418 या 72 और आपका जी डिग्री लग जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप आपसे कोई नॉनागन का पूछे तो आप n इक्वल टू क्या रख दीजिए, 9 रख दीजिए, इस साइड रख दीजिए, आपको फॉर्मूला याद करना है n माइनस टू इंटू 180, इससे क्या होगा ऑल इंटीरियर एंगल का सम निकल आएगा। ये रेगुलर, लेकिन सुनिए यहाँ पे आप रेगुलर हमने किया ना, तो ये रेगुलर में भी लगेगा,
कोई भी टाइप का आपका पॉलीगन हो उनका समय ही होता है 360, मतलब जैसे क्वाड्रेटर, तो ये तो नहीं कहा कि कौन से क्वाड्रेटर का 360 होता है, चाहे जो साइड इक्वल हो चाहे ना हो। तो आप यहाँ पर रेगुलर यहाँ पे आप केवल पॉलीगन वर्ड यूज कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। लेकिन हम बताते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक स्पेस पर चीजें हो जाएंगी, पॉलीगन नोट कर लीजिए यहाँ पे। अब आप ऐसे एन इक्वल 7 10 तक के आप निकाल लीजिएगा, है ना। तो आपका क्या हो गया, सम इंटीरियर एंगल का सम निकालना हमें सीखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सटीरियर एंगल पे। देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या होता, मान लो आपका एक ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का ए वाला साइड जो आपका एंगल है वो एक्सटीरियर होता है। इस साइड का कौन सा होगा, इस साइड का ए वाला, इस साइड का कौन सा होगा, ए वाला, एक्सटीरियर एंगल होते हैं बाहर वाले जस्ट, ठीक है। अब यहां पे देखिए इनका एक्सटीरियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब रेगुलर पेंटागन के एक्सटीरियर जितने इंटीरियर होंगे उतने एक्सटीरियर होंगे, है ना। देखिए इसका एक्सटीरियर, एक इसका एक्सटीरियर यहां बनेगा, इसका एक्सटीरियर यहां बनेगा, इसका एक्सटीरियर यहां बनेगा, इसका एक्सटीरियर यहां बनेगा, ठीक है। अब समझिए हम रेगुलर पेंटागन को लेके चलते हैं, तो रेगुलर पेंटागन की ऑल एंगल इक्वल होते हैं। ऑल एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये आपका मान लो एंगल x है तो ये वाला भी आपका x हो जाएगा, ए भी आपका x हो जाएगा, ए भी आपका x हो जाएगा, ए भी आपका x हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। जब इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो इनके बाहर के एक्सटीरियर एंगल भी सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो हम दो फॉर्मूले बताते हैं, इंटीरियर ईच इंटीरियर कैसे निकालते हैं और ईच एक्सटीरियर कैसे निकालते हैं। तो देखिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल कितना होता है, सब क्योंकि एक पता चल गया तो सब चल गए। तो यहां पे लिखना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय एन, मतलब आप ऑल इंटीरियर एंगल का सम रखो और उसको एन से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से, तो निकल आएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंटागॉन का देखते हैं, तो पेंटागॉन का सम 540 होता है, साइड 5 है, कट कर लो आप इसको 108 आएगा, मतलब ए वाला एंगल 108, ए वाला 108, ए वाला 108, ए वाला 108 और यहां वाला भी 108 होगा, ठीक है। अब एक्सटीरियर का निकालते हैं, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है इसको देखते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ, ये सब रेगुलर वर्ड अप्लाई होंगे फॉर्मूला, हमने रेगुलर वर्ड यूज किया है ना, सब में नहीं लगा देना है रेगुलर में। तो रेगुलर पॉलीगन का कितना होता है 360° / n, ए होता है इसका, इसका फिक्स होता है 360, यहां पर चेंज नहीं होता, चाहे आप क्वाड्रेटल के लिए अप्लाई करो चाहे इसके लिए, ये ठीक है। लेकिन अब यहां पे समझिए थोड़ा सा, लेकिन अभी आप इसी को यदि हम ट्राइंगल के बेस पर जाएंगे तो आप सोचेंगे 180 तो होता है, तो आप बाहर वाला एंगल निकाल के देख लीजिए कितनी आएगा, हम वेरीफाई भी करते हैं इस चीज को, है ना। 360 अपॉन है, इसी का निकालते हैं, 360 5 रख दीजिए पेंटागॉन के लिए, कितना जाएगा 72, ये 72 आ गया, इसका इंटीरियर 108 आ गया। अभी हम आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कोई भी इंटीरियर एंगल और उसका एक्सटीरियर दोनों का सम 180 होना चाहिए, एक इंटीरियर एंगल और उसका एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180 होना चाहिए, समझ जाओ आप सही। यहां पे देखिए 72 और 108 इन दोनों का सम कीजिए आप, 108 प्लस 72 कितना होता है 180, मतलब हम सही है ना। तो आप यहां पर एक बात और नोट कर लीजिए, तो एक तो कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इतना होता है रेगुलर पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इतना होता है, और एक बात और आप यहां पर नोट कर लीजिए क्या कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल हमेशा 180 होता है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। कोई भी शेप का इंटीरियर एंगल प्लस उसका एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180 होता है, यदि सही नहीं आता है तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया है, ठीक है। तो आपका हमने पढ़ लिया इंटीरियर एक्सटीरियर इन सब के बारे में। अब एक और क्वेश्चन यहां से बन के आता है कि इसमें डायगोनल कितने होंगे,
डायगोनल का भी क्या कोई शॉर्टकट होती है, तो उसको देखते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, डायगोनल की एक शॉर्टकट देखते हैं। तो हमने जो बताया ना पेंटागोन के लिए बताया कि सब में हो गया, आने वाले हेक्सागोन हेप्टागोन जो भी आप पढ़ोगे सब में अप्लाई हो जाएंगे, है ना। सबको अलग अलग पढ़ाना मतलब की वीडियो को लेंथी करना है, जिससे आपको बोरिंग भी लगेगा, है ना। तो आप थोड़ा सा इससे लॉजिक लगा सकते हो। उसको हम देखते हैं कि इसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं। तो डायगोनल तो आप जानते होंगे आई थिंक, है ना। डायगोनल क्या होता है, जैसे मान लो आपका एक पेंटागोन बना रहे हो, ये आपका रेगुलर पेंटागोन है मान लो, इसमें कितने डायगोनल पॉसिबल है। देखिए एक डायगोनल मतलब वर्टेक्स मिलाना डायगोनल कहलाता है, साइड को छोड़कर। दूसरा डायगोनल, तीसरा डायगोनल, चौथा डायगोनल, और तो पॉसिबल नहीं। आप सोचो इस कॉलोनी से इस कॉलोनी को मिला दे तो वो एक साइड है। चार डायगोनल पॉसिबल है इसमें। और कहीं दिख रहे हैं क्या आपको, कहीं दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे कुछ भी। हाँ एक ही दिख रहा है, देखो वर्टेक्स से वर्टेक्स पांचवा डायगोनल हो गया। तो मान लो पेंटागोन में फाइव डायगोनल है, तो क्या हेक्सागोन में सिक्स होंगे, ऐसा नहीं कह सकते है ना। इसमें पांच वाला है। हम तो यहाँ पे मान लो आपसे आपसे किसी ने एक नंबर पर क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि कितने डायगोनल्स होते हैं मान लो किसमें ऑक्टागन में, तो क्या आप ऑक्टागन बना के कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है जल्दबाजी में आपसे मिसिंग हो जाए, है ना। कोई भी एग्जाम हो आपका, आप स्टेट मतलब कोई भी आप अपने क्लास लेवल का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम उसे पूछ ले क्या करेंगे हम वहां पे। तो हम टाइम बचे, एक फॉर्मूला होता है इसका आप याद कर लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, एक पॉलीगन में कितने टोटल नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं, एन एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू, एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू। अब यहां पे आप फाइव रख के देख लीजिए। चलो हम ट्राइंगल का निकालते हैं। ट्राइंगल आपको बहुत अच्छा लगता होगा सबको, है ना, क्योंकि ट्राइंगल सबसे आता है, कुछ बने चाहे ना बने, ट्राइंगल और क्वाड्रेटल सबसे बनता है ना। चलिए ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल एन इक्वल आप थ्री रखिए, यहां पर थ्री रखिए, थ्री थ्री माइनस थ्री अपॉन टू, थ्री में से थ्री का जीरो, थ्री इंटू जीरो मतलब कुल मिला के सब कुछ जीरो। तो ये क्या लगा हमको, ट्राइंगल में क्या एक भी डायगोनल नहीं होते हैं। चलिए चेक करते हैं ट्राइंगल को बना के, हमको सही ही लगा, तीन बार टैक्स। चलिए मिलाइए इसको, आप सोचें इसको इससे मिलाए तो वो पहले सिक्स साइड है, इसको इससे मिलाए तो पहले सिक्स साइड है, इसको इससे मिलाए तो पहले सिक्स साइड है। साइड को छोड़कर जो कोने मिलाए जाते हैं वो डायगोनल कहलाते हैं, मतलब सही बात वो लगू है ना। यहाँ पे क्या है, जीरो डायगोनल, कोई भी डायगोनल नहीं होता। चलिए क्वाड्रेटल में देखते हैं। क्वाड्रेटल तो आपने कई बार बनाए होंगे, रेक्टेंगल वगैरह में दो डायगोनल होते हैं, एक और दो, और तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए इसका हम वेरीफाई करते हैं, क्या दो लाता है आपका ये फॉर्मूला। क्वाड्रेटल के लिए आप देखें एन इक्वल फोर रख के देखिए, तो यहाँ पर फोर, फोर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, टू टू जब फोर, फोर में से थ्री का वन, टू इंटू वन आपका टू आ गया। अरे ये तो सही है, मतलब फॉर्मूला बढ़िया मिल गया हमको, एन एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, है ना। पेंटागोन में देखिए फाइव रख के देख लीजिए तो क्या सही आता है, फाइव, फाइव माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, तो फाइव इंटू टू डिवाइडेड बाई टू, टू से टू कैंसिल, फाइव, मतलब पेंटागोन के लिए भी सही कर दिया वो। ऐसे आप किसी के लिए भी निकाल लीजिए, है ना, नॉनागन के लिए निकाल दीजिए, नाइन माइनस माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, है ना, तो नाइन इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई टू, 26 डायगोनल बनते हैं नॉनागन में, 27 डायगोनल बनते हैं इसमें। इस मतलब आप ऑक्टागन का देख लीजिए, 8, 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, 8 टू जा 8 मतलब 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, इसके 20 डायगोनल बनते हैं। मतलब इसमें आप इस फॉर्मूले से किसी बड़े से बड़े शेप का पॉलीगन का डायगोनल के नंबर पता कर सकते हैं कितने डायगोनल बनेंगे, ठीक है। अब डायगोनल सेम होंगे नहीं होंगे वो डिपेंड करता है उनकी साइड की मेजरमेंट पर। तो यहाँ पे वो नहीं बताता कि कैसे डायगोनल बनेंगे, बस वो बताता है कि कितने बनेंगे, नंबर बताता है उनका, तो है ना। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा, पॉलीगन, पॉलीगन का पूरा यहाँ पर डिटेल खत्म हो गया। मतलब पॉलीगन आपका कोई भी पॉलीगन हो किसी भी टाइप का, आप उसकी साइड का आइडिया आपको लग गया, उसका एंगल का आइडिया लग गया, एंगल कैसे होते हैं, यदि सभी साइड इक्वल है तो क्या सभी एंगल इक्वल होंगे, तो हम वो जान गए कि हाँ होता है। ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं पॉलीगन का, कोई भी आपका हेक्सागोन हो, हेक्टागोन कुछ भी हो, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर से रिलेटेड कैसे होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं। तो हमने ये तीन फॉर्मूले आपको जो पढ़ाए हैं बेसिक, आप उनको क्लियर कर लीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पे आपका बेसिक ज्योमेट्री का पॉलीगन लगभग की बैकबोन आपका ही खत्म हो गया है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे, कुछ पेयर्स होते हैं एंगल्स के इंपॉर्टेंट, उनके पढ़े बिना हम आपको आगे ज्योमेट्री हम क्या कोई भी नहीं पढ़ा सकता है ना। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।